और गाइज इस गाड़ी में है ऑटो पायलट मोड, मतलब ये गाड़ी खुद चलेगी, स्टीयरिंग भी खुद घूमेगा, अभी करके दिखाएंगे आपको। अब खुद मोड़ मोड़ेगी भी खुद। चलो देखते हैं गाइज आगे गाड़ी है खुद मोड़ती है नहीं मोड़ती। देखो ब्रेकिंग कर रही है अपने। ये देखो भाई 200 पहुंचने वाली है। ओहो 199। हेलो गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, रात के 2 बजने वाले हैं और एयरपोर्ट पे अभी फाइनली लंदन जा रहे हैं, फ्लाइट में जाएंगे अभी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 9 घंटे की फ्लाइट है, हम 9 घंटे फ्लाइट में रहेंगे लेकिन हम पहुंच 4 घंटे में जाएंगे, सिर्फ 7:30-8 बजे तक हम लंदन पहुंच जाएंगे, लंदन का टाइम के साथ। हाँ, क्योंकि 4:30 घंटे पीछे है ना लंदन, फिलहाल वेट कर रहे हैं बस बोर्डिंग का, बोर्डिंग होने वाली है फिर निकलते हैं सीधा फ्लाइट में। तो अब जा रहे हैं फाइनली प्लेन के अंदर। गाइज हमारा काम कितना अच्छा है ना, व्लॉग बनाना, सारी मेमोरीज कलेक्ट हो रही है, हमारी फर्स्ट फ्लाइट है वो भी और मेरी, और वो कैप्चर हो रही है, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब देखेंगे। फाइनली प्लेन में बैठ चुके हैं और हमारे सामने देखो स्क्रीन भी है यहाँ पे, ये रिमोट कंट्रोल भी है, सबसे मेन चार्जिंग पॉइंट है यहाँ पे। थैंक यू बोबिया लंदन ले जाने के लिए, लेकिन विंडो सीट नहीं मिली तो बाहर का नहीं देख सकते हम, रात की फ़्लाइट है तो कोई फ़ायदा नहीं है विंडो सीट का। तो भी गाइस सुबह के 11 बज चुके हैं, पूरे 9 घंटे हो गए हमको फ्लाइट में। भाई मैं तो सोया हुआ था, मस्त नींद पूरी कर ली मैंने तो अपनी, और जैसे हम पहुँचेंगे ना टाइम चेंज हो जाएगा लिटरली, वहाँ बज रहे होंगे सुबह के 7 या 8। अभी तो इंडिया के टाइम के हिसाब से 11 बज रहे थे, अरे टाइम चेंज हो गया, सुबह के 7 बज रहे गाइस, 7:05। तो अब जा रहे हैं प्लेन से बाहर लंदन में पहले कदम। वो भी मैंने बताया नहीं कहाँ ले जा रहे हैं, कह रहे हैं सरप्राइज है। गाइस देखो कितनी बड़ी सीढ़ी है ये, लिटरली बहुत ऊपर तक, कितने नीचे से ऊपर आ गए हम। सबसे पहले होगा इमिग्रेशन, वो पूछेंगे भाई क्या करने आए हो यहाँ पे लंदन में तुम, उनके ऑफिसर्स वगैरह से पूछेंगे भाई, तो उनको बताना कि घूमने आए हैं, किस लिए आए हैं, कहाँ रुकोगे, क्या करोगे, कब वापस जाओगे, सब बताना पड़ेगा, उसके बाद हमको जाने देंगे वो। इमिग्रेशन के लिए तो काफ़ी लंबी लाइन है, देखो फाइनली इमिग्रेशन हो गया भाई, 2 घंटे लग गए लाइन में, 2 घंटे से खड़े थे लिटरली भाई। अब फिलहाल बैग ढूंढते हैं, ये रहा एक तो। गाइस मेरा दूसरा बैग नहीं मिल रहा यार। हेलो, क्या हाल चाल? प्रणाम प्रणाम प्रणाम, बस बस प्रणाम। सौरभ बस, हेलो सौरभ जोशी, क्या हाल है? वेलकम टू यू, वेलकम टू यू के, आप सब कहाँ से हो? हम लोग यहीं से। मैंने मैसेज भी किया था। अच्छा आपको पता था हम आ रहे हैं? भाई बिल्कुल पूरा फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे देखो हमारे इतने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हमारा वेट कर रहे थे, थैंक यू सो मच। एंड बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू थैंक यू। लंदन से भी इतना प्यार देखो। हमको लेने आए हैं बोबे के रिलेटिव भुवन भाकुनी सर हैं, उनकी बेटी, उनकी वाइफ एंड उनके दामाद। हेलो गुरु, अब कहाँ जाना है? अब कहाँ जाना है? अब अभी पहले यहाँ से तो निकले, एयरपोर्ट से निकलते हैं फिर चलते हैं। कौन सी गाड़ी मंगाई आपने? हाँ वही पता लग जाएगा आपको, आ जाओ। ये तो टेस्ला है, हम सच में टेस्ला में जा रहे हैं। हाँ सच में टेस्ला में जा रहे भाई। खुलती कैसे है? अच्छा ऐसे ओके, आपसे हम कल मिलेंगे। तो गाइस एयरपोर्ट से निकल गए टेस्ला में, इसकी स्क्रीन देखो भाई कितनी बड़ी स्क्रीन है भाई, मेरे लैपटॉप से बड़ी स्क्रीन है इसकी। अब इंडियन है? पाकिस्तान। ओके गाइस इनको हिंदी आती है, वाओ क्या स्मूथ चल रही है गाइस कार, एकदम स्मूथ। मेरे को पता नहीं था टेस्ला में बैठने वाले हम। इसमें यूट्यूब वगैरह चलता है? नेटफ्लिक्स भी, सब कुछ चलता है। अरे गाड़ी पार्किंग में होनी चाहिए। अच्छा पार्किंग होनी चाहिए, ओके। वैसे आप अच्छा ड्राइव करते हुए नहीं चला सकते, ड्राइव करते हुए नहीं चला सकते। और गाइज इस गाड़ी में है ऑटो पायलट मोड, मतलब ये गाड़ी खुद चलेगी, स्टीयरिंग भी खुद घूमेगा, अभी करके दिखाएंगे आपको। और यहाँ पे हाईवे को बोलते हैं मोटरवे, तो मोटरवे पे जाएंगे वहाँ पे करेंगे ड्राइविंग, इंडिया जैसी है गाइज। देखो इंडिया में भी लेफ्ट में चलते हैं ना इधर भी। तो गाइज अभी मैं पी रहा हूँ वाटर, ये एयरपोर्ट पे मिला था हमको नेचुरल स्प्रिंग वाटर। मैं कुछ नहीं कर रहा, अब खुद मोड़ेगी भी खुद। चलो देखते हैं गाइज आगे गाड़ी है खुद मोड़ती है नहीं मोड़ती। देखो ब्रेकिंग कर रही है अपने आप, ब्रेकिंग तो कर रही है। हाँ ब्रेकिंग तो कर रही है, ये दिखा रही है आगे कौन सी गाड़ी चल रही है तुम्हारी, ये पूरा दिखा रही है। देखो आगे ये दोनों गाड़ी चल रही है ना, यही वाली गाड़ियाँ दिखा रही है, देखो चल रही है। देखो अभी तक खुद चल रही है, खुद मोड़ रही है, खुद सब कुछ खुद। ये तो पूरा दिखा रहा है कौन ओवरटेक कर रहा है, ये देखो अभी इसने ओवरटेक किया ना, ये भी दिखा रहा है कि इसने ओवरटेक किया, हम किसको ओवरटेक कर रहे हैं पूरा। ये देखो मेरे सामने कितना सुंदर होटल है, और वहाँ पे गाड़ी देखो कौन सी खड़ी है, मैक्लेरन खड़ी है, देखो कितनी मस्त लग रही है। पहुंच गए, 6 मिनट है हमारे पास, 6 मिनट ट्रेन निकल जाएगी। तो अब हम जा रहे हैं ट्रेन में, ट्रेन से कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे एडिनबरा। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं ट्रेन स्टेशन पे, 3 मिनट बचे हुए ट्रेन निकल जाएगी, 3 मिनट बचे हैं, सिर्फ 3 मिनट। गाइज यहाँ की तो ट्रेन भी मस्त होती होगी, देखते हैं यहाँ की ट्रेन।
तो गाइस हमारी एक ट्रेन तो निकल गई है, बट कोई बात नहीं, हर 30 मिनट में यहाँ पे ट्रेन चलती है, तो अब 30 मिनट के बाद पकड़ लेंगे ट्रेन। भाई 4.5 घंटे लगते हैं। 4.5 घंटे लगेंगे? 4.5 घंटे में हम लंदन से एडिनबरा यानी कि स्कॉटलैंड पहुंचेंगे। तो अभी बैठ के वेट करते हैं आधा घंटा, फिलहाल यहाँ कॉफी वगैरह पी रहे हैं, देखो मस्त। गाइस हमारा नहीं, किसी और का है यहाँ, देखो इसमें इसी में यहाँ पे टेबल लगा हुआ, देखो इसी में। तो टिकट हमने ऑनलाइन बुक कर दी थी यहाँ से, अब बस स्कैन करनी है और निकलना है यहाँ से। देखो बस स्कैन करना है और निकलना है, और अंदर जाने के लिए कोई चेकिंग नहीं होती, कुछ नहीं होता, कोई सामान चेक नहीं करता तुम क्या लेके जा रहे हो, क्या कुछ भी नहीं। बुलेट ट्रेन है क्या बोल भैया? ये देखो भाई क्या मस्त लग रही, क्यूट सी। अंकल जी ट्रेन में साइकिल लेके जा रहे भाई, ये सही है भाई, बाइक साइकिल सब ले जाओ ट्रेन में, सीट के लिए भागो, चलो भाई भागो, अब सीट चाहिए अपने को। तो भाई इस ट्रेन के अंदर तो आ गया, लेकिन यहाँ पे सीट नहीं मिल रही हमको, पूरी फुल है। 11 बजने वाले पूरे टाइम पे ट्रेन, मतलब 11 बजे टाइम है ना, तो 11 बजे ही चलेगी पूरे टाइम पे भाई। और सीट इसलिए नहीं मिली बिकॉज जिसमें हमारी बुकिंग थी ना वो जा चुकी है। ये देखो ये भी काफी साफ सुथरे हैं आप गाइज, मेरे को तो बेस्ट जगह मिल गई, यहाँ से पूरा व्यू दिखेगा बाहर का। तो ये सीट तो मिली नहीं, तो यहाँ पे अपना सूटकेस बिछा के इसके ऊपर ही मस्त बैठ गया, देखो खुद की सीट बना ली, सूटकेस से खुद की सीट बना ली, और यहाँ से व्यू भी अच्छा है। ट्रेन की स्पीड देखो भाई, अब भी पता चला कि हम 600 से ज्यादा किलोमीटर जा रहे हैं, 600 से ज्यादा किलोमीटर, वो भी सिर्फ 4 घंटे में। सुबह से कुछ नहीं खाया तो खाना खाते हैं, घर से खाना है अपने। ये देखो फेवरेट चने, खाना शुरू करते हैं अब। थैंक यू भैया। लंदन में 200 पहुंचने वाली है। ओहो 199 200 हो जा, अबे हो जा 200 हो जा, 199 पे टक गई है तो 199 200 200 200 हो गई होगी। तो भी गए आए हैं कैंटीन पे कुछ खाने पीने के लेने के लिए यहाँ से, देखो यहाँ पे ट्रेन में कैंटीन भी है, हम ले रहे हैं कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक और पानी। तो फाइनली गए हमको सीट मिल गई है, एक स्टेशन पे रुकी ना तो काफ़ी लोग उतरे, नॉर्मल सीट है लेकिन काफ़ी कंफर्टेबल है, यहाँ पे टेबल भी है, आधा रास्ता कवर कर लिया था हमने, आधा बाकी है अभी। गाइस पता नहीं लाइफ में कितने अच्छे कर्म किए मैंने कि मुझे वो भी मिल गए। गाइस पहुंच गए हैं, 4 बजने वाले, पिछले 18 घंटे से हम निकले हुए, 18 घंटे से लिटरली अभी तक नहीं पहुंचे हम आ चुके हैं स्कॉटलैंड, अब बस सोना है अच्छे से। तो गाइस अभी हमें एडिनबरा में, जो कि सुंदर लग रहा है, बिल्डिंग अलग है भाई यहाँ पे। तो हमारी कैब आ गई है, अब 35 मिनट और ट्रेवल करना है इस गाड़ी में, 35 मिनट। गाइस अभी बॉबी भाई जहाँ लेके आए ना भाई, हमारे सामने जो चीज है मैं आपको अभी बता नहीं सकता, अल्टीमेट वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा, बिकॉज अभी थके हुए हैं बहुत बहुत ज्यादा, बिकॉज 19 घंटे से ट्रैवल कर रहे थे हम। बता दूं भैया? नहीं अभी नहीं यार, नेक्स्ट व्लॉग का इंतजार करना, मॉर्निंग वहीं पे होगी। अब एंड कर देते गाइस, बिकॉज अब रेस्ट करेंगे, बिकॉज बहुत बहुत थके हुए हैं भाई, नींद आ रही है, बस सोएंगे अब। शाम के 7 बजने वाले हैं, इंडिया में शायद 11:30 बज रहे होंगे, अगर आप इंडिया से देखो आप सो रहोगे, तो बस इंतजार करना अब नेक्स्ट व्लॉग का। फिलहाल मैं इस व्लॉग का एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। फाइनली हम पहुँच चुके हैं लंदन, लंदन से हम पहुँच चुके दूसरी कंट्री स्कॉटलैंड, अब नेक्स्ट कहाँ जाने वाले वो तो बोल को पता है। स्कॉटलैंड में इस वक्त हम है एडिनबरा में आज यहीं एडिनबरा से करेंगे, कल सुबह एडिनबरा को एक्सप्लोर करेंगे। क्या सुंदर लग रही है, ग्लासगो से जाएंगे, क्या सुंदर लग रही है, ग्लेनको से जाएंगे हम लोग, क्या सुंदर लग रही यार। गाइस कल दिखाएंगे चलो, कल अभी नहीं, दिखा दूं क्या अभी, एक झलक दिखा, एक झलक थोड़ा सा क्या सुंदर लग रहा है यार। चलो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बाय। तो अभी हम घूम रहे हैं ट्रेन में, ये देखो।